दोस्तों अडवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि अपने मोबाइल के दोनों बटन यानी वॉल्यूम अप बटन डन बटन से क्या करते होंगे। दोस्तों आपके माइंड में एक ही सवाल चलता होगा कि आवाज को कम किया जा सकता है और आवाज को बढ़ाते हैं इस दोनों बटन का, यही आप सोचते होंगे। मैं भी यही सोच रहा था कि इस दोनों बटन से आवाज कम किया जा सकता है और आवाज को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरा सोचना गलत था और आप जो सोच रहे ना आपका भी सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है ना एक ऐसी खुफिया राज है, एक ऐसी खुफिया ट्रिक है ना, मैजिक ट्रिक है ना इस मोबाइल की वॉल्यूम अप बटन डन बटन से, जिसे देख करके आप काफी ज्यादा चौंक जाएंगे। क्योंकि जब मैं अपने मोबाइल की वॉल्यूम अप बटन डन बटन के ये मैजिक ट्रिक यूज किया ना, तो जब मैं हैरान हो सकता हूं तो आप देख करके कितना ज्यादा हैरान हो सकते हैं। तो सोच करके जरूर देखिएगा। यदि आप ये दोनों बटन का ये मैजिक ट्रिक, ये खुफिया ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो फिर देर किस बात का, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी फाड़ू बनने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता इस वीडियो के अंदर, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर ढेरों सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आपके फ्रेंड को अपने मोबाइल देंगे तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन को ओपन कर ही देता है। जैसे कि दोस्तों मान लेता हूँ कि यहाँ व्हाट्सएप को आप अपने मोबाइल को देंगे अपने फ्रेंड को, तो सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करेगा। जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, पिक्चर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि बताएगा कि भाई व्हाट्सएप खराब हो चुका है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की से आप दो बार प्रेस करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इस वॉल्यूम बटन से ये फायदे उठा सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से बताएगा, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से बताएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम बटन को दो बार प्रेस करेंगे ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये सब मैंने कैसे सेट किया, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपते ना तो इस वीडियो को ना कम से कम 5000 लाइक कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल को दबा दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बस ये छोटी सी काम कर लेते ना, आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है उप्स ऐप लॉग। जी हाँ, तो इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, आपको क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आपको मैं सेटअप करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से स्वाइप करना है, स्वाइप करने का दोस्तों यहाँ पे सेटअप पासवर्ड आपको बताएगा। तो यहाँ पे देख सकते 2 की 3 की 4 की और 5 की। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो एग्जांपल कि जैसे कि वॉल्यूम बटन को दो बार लॉक लगाना चाहते हैं यानी दो बार प्रेस करेंगे तो आपका एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए, 3 बार 4 बार 5 बार तो आप बटन से दोनों भी प्रेस करके लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों मान लिया दोस्तों यहाँ पे दो बार है तो यहाँ पे दो बार नीचे करेंगे या एक ऊपर एक नीचे तो ये भी लॉक लगा सकते हैं, दोनों ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया दो बार, तो यहाँ पे नीचे और ऊपर एक करूंगा तो कंफर्म हो चुका, और फिर से नीचे और ऊपर। तो यहाँ पे कंफर्म होने के बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट चुका, तो यहाँ पे क्रिएट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे एक फॉरगेट पास करने के लिए यहाँ पे आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे अपना नाम लिख दिया और नाम लिखने का सेटअप पे क्लिक कीजिएगा। सेटअप पे क्लिक करने का ये नोट की तरह आपको आ जाएगा, नोट पैड देखने को मिल जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन खोलेगा तो ये इसको लगेगा कि नोट पैड है, लेकिन दोस्तों ये पासवर्ड सेव जो किए थे तो एक नीचे दबाए थे एक ऊपर, तो ये एप्लीकेशन आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अनेबल कर देना होगा, अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको एक परमिशन देना होगा, तो परमिशन यहाँ पे दे देता हूँ। तो चलिए सब एप्लीकेशन को मैं परमिशन दे दिया, सिंपल बैक कर लेना होगा। तो यहाँ पे ढेरों सारे ऐसे ऐप आ जाएंगे, तो वो जो मैंने बताया था, वो मैंने फोटो दिखाया था, वो फोटो को मैंने लिखा था, तो आपको लिख लेना होगा। तो चले मैं आपको बता देता हूँ सेटअप करके कि मान लेता हूँ ये मेरा फेसबुक है, फेसबुक को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ताला लॉक कर लीजिएगा। ताला लॉक करने के बाद यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अलाउ कर लीजिएगा। जैसे कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो को चूज करना पड़ेगा, जो भी फोटो लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं गैलरी से कोई भी फोटो ले लेता हूँ, तो ये फोटो को मैंने लगा दिया, देख सकते हैं। फेसबुक में फोटो को लगाने के बाद इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद चलिए यहाँ पे मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ। फेसबुक को जैसे ही ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, फोटो दिखेगा कि आपके फ्रेंड को लगेगा कि फेसबुक मैसेंजर खराब हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में खराब नहीं हुआ, जो पासवर्ड डाले थे एक नीचे डाला था मैं, एक ऊपर डाला था, तो ये आपका फेसबुक ओपन हो चुका। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी डाल सकते ताकि कोई भी खोल ना पाए।
तो बस यही था आप सभी को बताना था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और एक्साइटेड वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।